हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सौरभ। सो आज की इस वीडियो में आपको 100 रुपीज़ में या फिर उससे भी कम में ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बिगिनर्स काफ़ी अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं और आपके लिए सफिशिएंट है आई थिंक। क्योंकि जब मैं बिगिनर था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नॉलेज नहीं थी इतना, तो मैं इन्हीं का यूज़ करता था जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि 100 से भी कम रुपीज़ में है और आप काफ़ी ईजिली आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमको मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, हमको कौन से यूज़ करने चाहिए और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हम कौन से यूज़ करें, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कौन सा आपके लिए सही रहेगा अगर आप एक बिगिनर हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में। तो ये मेरे पास हैं फैबर कैस्टल की, कैमलिन की और आर्टलाइन की, जो कि तीनों काफ़ी चीप हैं। फैबर कैस्टल वाली 40 रुपीज़ में मिल जाती है, कैमलिन वाली भी 40 में मिल जाती है और जो आर्टलाइन वाली है वो 45 रुपीज़ में मिल जाती है। सो ये है फैबर कैस्टल वाली, इसके ऊपर लिखा हुआ ब्लैक मार्ट, तो ये काफ़ी ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी। और कैमलिन की इस तरह की है, बीच में ग्रीन ग्रीन सा है, तो आपको इन तीनों में से अगर कोई भी मिले तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अप्सरा की मिलती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे पास नहीं है अभी, तो आप अप्सरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टलाइन वाली ज़्यादा डार्क है, इन सब से आर्टलाइन वाली आपको ज़्यादा डार्क मिलेगी। जो इसमें 10B पेंसिल है या फिर 8B पेंसिल है वो काफ़ी डार्क है इनसे। फैबर कैस्टल की यूज़ कर सकते हैं आप, थोड़ी लाइट है ये और काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको काफ़ी अच्छे से स्किन का टेक्स्चर आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और कैमलिन की भी काफ़ी अच्छी है, ये थोड़ी डार्क है, इसमें आपको ज़्यादा डार्क मिलेंगे। और जो आर्टलाइन की है वो और भी ज़्यादा डार्क है, तो ये कुछ इनमें फ़र्क है। बाकी आपको कोई भी अवेलेबल हो मार्केट में तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चारकोल पेंसिल। तो ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो, डार्क एरियाज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको 10 रुपये में मिल जाती है। आप अप्सरा की भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो मिल रही है तो। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि डार्क एरियाज़ को ऑप्ट करना भी आना चाहिए आपको, कि किस तरह से आप चारकोल का यूज़ करके, ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ करके किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आप स्केचेज को ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओनली ग्रेफाइट का भी यूज़ कर सकते हैं डार्क एरियाज़ के लिए। ब्लेंड करने के लिए आप कॉटन का यूज़ कर सकते हो। कॉटन को आप इस तरह से, ये माचिस की तिल्ली में इस तरह से लगा लो और इस तरह से कॉटन को आप इसमें अच्छे से लगा लो, तो ये कॉटन ब्रेड की तरह बन जाएगा और काफ़ी स्मूथ इससे ब्लेंडिंग हो पाएगी। आपको पेपर स्टम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अगर सच्ची बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में, मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मैं सिर्फ फिंगर और ऐसे करके ब्लेंड करता था। सो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, काफ़ी स्मूथ ब्लेंड होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको किसी भी पेपर स्टम की जरूरत नहीं है या फिर किसी भी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है। बिगिनर्स को तो वैसे भी ब्लेंड करना ही नहीं चाहिए, तो आपको हल्का फुल्का ब्लेंड करना होगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्पनर। तो आप अप्सरा का शॉर्पनर यूज़ कर सकते हैं, ये 5 रुपये का मिल जाता है और ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी स्टेशनरी पर। और स्टार्टिंग में आप इरेजर भी ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल चीप होता है, 3 या 5 रुपये का मिल जाता है, ये अप्सरा का है या फिर कोई भी और चीप ब्रांड का आप ले सकते हैं अगर आप एक बिगनर है तो। स्टार्टिंग में मैं भी इन्हीं का यूज़ करता था इरेज करने के लिए, शार्प करने के लिए, तो मैं अभी भी इसी शॉर्पनर का यूज़ करता हूँ अप्सरा के। हाईलाइट आप इस इरेजर से भी कर सकते हो, इस तरह से देखो, अगर आप इरेजर को कट कर दोगे या फिर उसको नुकीला बना दोगे तो आप इस तरह से हाईलाइट कर पाओगे। सो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, आप काफ़ी अच्छे से इससे भी हाईलाइट कर पाएंगे इसको कट करके। और ड्राइंग पेपर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया रखा है ये सिंपल चीप वाला लोटस का, जो कि आपको 25 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके ऊपर आप रियलिस्टिक बिल्कुल स्मूथ रफ पेपर है ये, काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करके। बस उसी मेथड का यूज़ करना है, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी जो शेडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, आप किसी भी पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। सो गाइस, ये थे 100 से भी कम रुपीज़ में ड्राइंग मटेरियल्स, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। अगर ये नहीं होंगे तो इसी तरह का आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट में बताया मैंने आपको, चारकोल में आप अप्सरा ले सकते हैं, और पेपर में आपको इसी टाइप का अगर कोई और ब्रांड का मिलता है तो आप कार्ट्रेज ले सकते हैं। और इरेजर तो सिंपल अप्सरा मिल ही जाता है, और पेंसिल भी मैंने आपको बता दिया। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको, अगर आप स्टार्टिंग में, आपको यूज़ करनी चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में इन्हीं से स्टार्ट किया था, मुझे यूट्यूब पे आने से पहले से मैं इन्हीं में ड्राइंग करता था और इन्हीं से प्रैक्टिस करता था। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी ब्लेंडर्स की, बिल्कुल भी डिफरेंट ब्रांड की पेंसिल्स की, वो मैंने यूट्यूब पे आके ही वीडियोज़ देखी डिफरेंट, तब मुझे पता चला कि ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, इन चीज़ों को आप यूज़ करके हम रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। उससे पहले आई थिंक जो मेरी ड्राइंग इंप्रूव हुई है उसका यही मेन आई थिंक रीज़न है कि मैंने स्टार्टिंग में, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था,
स्टार्टिंग में मेरे को किसी ने बताया नहीं और मैं इन्हीं से प्रैक्टिस करता था, सिंपल पेंसिल सिंपल पेपर से प्रैक्टिस करता रहता था। बस मुझे ड्राइंग करना काफ़ी अच्छा लगता था, तो काफ़ी इंप्रूव हो गई। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर आया, जब मैंने देखा तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए अपने मटेरियल्स पे या फिर किसी भी चीज़ पे। इसी तरह से आप सिंपल जो मैंने आपको दिखाया इनका यूज़ करके आप जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इनका यूज़ करके काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।